जमात इस्लामी पीपी 116 की सियासी कमेटी का अहम इजलास मियां अतीक अर रहमान के डेरा पर मुनाकिद हुआ। इजलास में उम्मीदवार NA-102 सरदार जफर हुसैन खान एडवोकेट, उम्मीदवार पीपी 116 राणा ताहा खान, नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मियां एजाज हुसैन, अमीर जमात इस्लामी पीपी 116 मियां अतीक अर रहमान, मियां मुनीब अर रहमान, मियां अल्ताफ हुसैन, तलहा महमूद वो दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कौम ने सब पार्टियों को वोट देकर इख्तदार में पहुंचाया, मगर गरीब अवाम को अपना निखाब देखा कर उन्होंने खून के आंसू रुलाया। जमात इस्लामी बावजूद अवामी हिमायत न हासिल करते हुए भी बिला तफरीक खिदमत को नहीं छोड़ा। सैलाब हो या जलजला, अकोई और आफत, जमात इस्लामी हमेशा अवाम की खिदमत करती हुई नजर आई। दियानत काबिलियत से सरशार क़यादत ने हमेशा अपनी सलाहियतों को मुल्क कौम की सालमियत के लिए सिर्फ किया। जमात इस्लामी को अगर कौम अपनी हिमायत दे दें तो जमात इस्लामी मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। स्टेटस को और करप्शन जैसी बीमारियों से गरीब अवाम को निजात दिला सकती है। आखिरी ऑप्शन तराजू है, तराजू वाले ही निजाम की तब्दीली का बाइस बन सकते हैं।